तो गाइस यार, हुआ फोक स्थिति के बावजूद भी आज इन छात्रों को फाइनली छात्रवृत्ति रिसीव हुआ। और इसका मैं आपको प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। छात्रवृत्ति अगर आपको चाहिए तो आपको क्या ज़रूरी काम है उस पर अमल करना है। इसके अलावा बैंक प्रोटेस्ट जो है वो कल से जारी हो जाएगा अगले 2 दिनों के लिए, मगर इस दौरान भी छात्रवृत्ति भेजी जाएगी, एक अच्छी खबर है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, 70% लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, तो आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, अभी 2 घंटे पहले कुछ छात्रों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके इस बात की जानकारी दी कि सर, हमारा स्टेटस हम रोज़ चेक करते थे, आज हमारा स्टेटस बदल गया है। तो इनका स्टेटस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। मगर आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का सवाल जो है वो लगातार आ रहा है कि सर, बैंक प्रोटेस्ट जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या ऐसे में छात्रवृत्ति का कार्य किया जाएगा, लगातार होता रहेगा? तो देखिए, बैंक प्रोटेस्ट के बावजूद भी छात्रवृत्ति भेजा जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन पे कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ पैसे के लेन देन पे रोक होगी, वो भी बैंक से, समझ गए? चलिए, तो ये वाला डाउट खत्म। अब छात्रवृत्ति अगर आपको चाहिए तो हम लोग ट्विटर पे अभियान शुरू करने वाले हैं कल की डेट में, या फिर परसों, जब भी, अगर कल आ गया छात्रवृत्ति तो ठीक है, अदरवाइज जब भी आप लोग एक्टिव रहोगे तभी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। बस आप लोगों को एक काम करना है, मेरे ट्विटर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाओ, सभी लोग शेयर कर देना, बाकी लोग को भी ज्वाइन करवा लो, टेलीग्राम का चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं ट्वीट करूँगा टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, उसका जो लिंक है उसको मैं वहाँ पे भेजूँगा, तो आप लोग वहाँ से जान सकते हो, समझ गए? चलिए, आज कुछ छात्रों को छात्रवृत्ति रिसीव हुई है, मगर उस रेशियो में नहीं, हमको लग रहा है ये कल के डेट में छात्रों को जो रिसीव हुई है उसका है, आज किसी छात्र को छात्रवृत्ति रिसीव नहीं हुई है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में यानी कि कल छात्रों को छात्रवृत्ति रिसीव होगी, इस बात को लेकर कन्फर्मेशन जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है। गाइस यार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 10/3/2022 को इनका जो स्टेटस था वो वेरीफाई हुआ, समझ गए? और इनका ये कहना है कि ये इनका 2022 में हुआ था, मगर ये बता दूं आपको कि 2021 का स्टेटस है और इनका ये 2021 का डाटा शो रहा है। मगर अब इनका कहना है कि अब इनके स्कॉलरशिप के स्टेटस में देखिए, ये भी पिछले साल का जो पैसा है वो छात्रों का कहना है कि आ रहा है। तो इस बार क्या छात्रवृत्ति आज किसी छात्र को रिसीव हुई है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं और आपको सारा कुछ बता। तो गाइस यार, यहाँ पे देख सकते हो एक और स्टूडेंट ने भेजा है, लेकिन आपको बता दूं, आप लोग यहाँ पे डेट देख लो, 9/3/2021 का है। तो 2022 में देखिए, जिन छात्रों का अपडेट हुआ है उसका मैंने अभी दिखाया, और आगे भी अभी आपको बता देता हूँ कि भाई देखो, 2022 में जिनका अपडेट हुआ है, अगर उनके में लिखा आ रहा है कि आपका जो पैसा है वो भेज दिया गया है, तो आप जाओ बैंक बैलेंस चेक कर लो, आ गया होगा। और अगर ऐसा नहीं लिखा आ रहा है तो अभी पैसा नहीं भेजा गया है। और रियलिटी ये है, आज मैंने प्रयागराज में बात किया है DW अधिकारी से फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा है कि आज किसी छात्र की छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई। उन्होंने तो इस बात की भी जानकारी दी है कि 31 तारीख के बाद भी छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। अगर जिन छात्रों को लग रहा होगा कि सर क्या प्रूफ है इस चीज़ का, तो भाई कहोगे तो कल वाले मॉर्निंग वाले वीडियो में इस चीज़ का मैं लाइव प्रूफ आपको कल रिकॉर्डिंग वीडियो में एड कर दूँगा, और क्लिप आप लोग खुद सुन लेना, समझ गए? तो ट्रस्ट करना, और बाकी का जो भी अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और बाकी दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।